नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार वर्मा आप लोगों के बीच पुनः एक शैक्षणिक संवाद के अनुक्रम में। आज हम लोग जो अधिगम के सिद्धांत को पढ़ने के लिए आए हैं, जो पिछला मेरा वीडियो था उसके अनुक्रम में मैं दूसरे वीडियो के बीच आपके साथ उपस्थित हुआ हूँ। आज हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि जो हमारी अधिगम प्रक्रिया है वो किस प्रकार से संचालित होती है और किस प्रकार से हमें उस पर केयर करना चाहिए। चूँकि हम एज ए साइकोलॉजिस्ट न होते हुए भी, एक शिक्षाविद न होते हुए भी, एक पारंगत और एक्सपर्ट के रूप में न होते हुए भी, हम उस सारी अधिगम की प्रक्रियाओं को अपनाते हैं जो एक सिद्धांत के रूप में विकसित है। लेकिन उन सिद्धांतों को जब हम अपने गाहे बगाहे अपने रोजमर्रा के जीवन में भी उपयोग करते हैं, लेकिन जब हम उनको थ्योरी के रूप में देखते हैं तो लगता है कि ये तो मैं हमेशा करता ही था। लेकिन वो इस तरीके से किसी चीज़ को शेप दिया जा सकता है, किसी को मोटिवेट किया जा सकता है, किसी के व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है, किसी के व्यवहार को विलोपित किया जा सकता है। ये तमाम प्रक्रियाएं हम रोजमर्रा के जीवन में करते हैं, लेकिन उन चीज़ों को अगर हम एज ए थ्योरी के रूप में देखें तो उसकी बातें थोड़ी सी अलग हो जाती हैं। और वो बातें थोड़ी और अलग तब हो जाती हैं जब उनको हम एक विशेष बालक के रूप में स्थापित करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जो भी थ्योरी बनी है, जो भी थ्योरी का विकास किया गया है, जिनके द्वारा किया गया है, वो सारी प्रक्रिया या फिर जानवरों पर हुई या फिर सामान्य बालकों पर करने का प्रयास किया गया है। लेकिन उसमें दिव्यांग बच्चा कभी आपको झलक नहीं आता है। लेकिन उस सारी गतिविधियों का केंद्र हम सामान्य बच्चों के साथ होते हुए एक अपने दिव्यांग साथियों के साथ भी जोड़ने का प्रयास करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये जो थ्योरी है वो किस प्रकार से सामान्य बच्चों के साथ साथ दिव्यांग बच्चों को भी उतना ही मददगार है जितना हम सामान्य बच्चों के लिए उपयोग करते हैं। जब एक शिक्षक के रूप में, एक गार्जियन के रूप में जब हम किसी थ्योरी को विकास के रूप में देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि हम इसका उपयोग हम कैसे करें। तो आज इसी के अनुक्रम में हम बात करने का प्रयास करेंगे कि जो हमारा बीएड एससी 06 का जो पेपर है उसके प्रथम खंड के द्वितीय इकाई में जो अधिगम सिद्धांत है, आज दूसरे अधिगम सिद्धांत स्कीनर को हम आपके बीच लेकर के आए हैं। और आज हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि स्कीनर ने किस प्रकार से इस थ्योरी का विकास किया। हालांकि इन्होंने चूहे पर, कबूतर पर प्रयोग किया, उस प्रयोग के आधार पर इन्होंने विकास करने का प्रयास किया कि हम किस चीज़ को कैसे किस रूप में देखते हैं। इन्होंने एकदम आसान शब्दों में बताया कि कोई भी कार्य कैसे होता है। जैसे कोई भी चीज़ हम किसी बच्चे को सिखाते हैं तो कैसे सीखता है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो पहले थर्नडाइक ने कहा था कि ट्रायल एंड एरर से सीखता है, बच्चा बार बार प्रयास करता है, त्रुटि करता है और एक बार वो सीख लेता है। लेकिन उन्होंने बताया कि हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अगर इसमें स्टिमुलस के बाद रिस्पांस आपको नहीं मिलेगा, जैसे कोई कार्य आप कर रहे हैं उसके अनुक्रम में अगर आपको कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा तो शायद वो व्यवहार आपका अस्थायित्व प्रदान नहीं करेगा। थर्नडाइक और स्कीनर की थ्योरी का ये छोटा सा डिफरेंट है। वो कहते हैं कि नहीं, कोई भी व्यवहार हम ट्रायल और एरर के माध्यम से सीख सकते हैं। ये कहते हैं नहीं, आप उसके माध्यम से तो सीख सकते हैं, लेकिन अगर कोई आप कार्य कर रहे हैं उस कार्य के अनुक्रम में अगर आपको कोई प्रतिक्रिया मिल रहा है, कोई रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो आप उस गतिविधि को निरंतर जारी रखेंगे, अन्यथा आप उसको विलोपित कर देंगे। तो इन्हीं दो तीन मुद्दों पर आपने बातचीत करके एक सिद्धांत को विकसित किया कि वो सिद्धांत किस प्रकार से आगे बढ़ेगा। तो हम जो देखने का प्रयास करते हैं कि जो स्कीनर की जो थ्योरी है उसको अन्य किस नाम से भी जानते हैं। तो कुछ लोग उसको बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग, कुछ लोग बोलते हैं उसको इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, कुछ लोग बोलते हैं स्कीनरियन थ्योरी। तो ये सब प्योर टर्मिनोलॉजी है कि हम किस रूप में जाने। कुछ लोग कहते हैं स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी, तो उसमें हमको उलझने की जरूरत नहीं है। इसके कार्य गतिविधि एक है लेकिन उसके नामकरण अलग अलग किए गए हैं। उस नामकरण में अगर हम देखते हैं तो स्कीनर का पहला स्टेप यही था कि वो कहते थे कि आप किसी भी अधिगम को, किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो सामान्य हो चाहे दिव्यांग हो, अगर कोई सिखाने का प्रयास कर रहे हैं तो अगर वो कोई स्टिमुलस किया तो उसके अनुक्रम में आपको कोई रिस्पांस करना अनिवार्य है। अगर स्टिमुलस के बाद आप रिस्पांस नहीं करते हैं या उद्दीपन के बाद अनुक्रिया में कोई नहीं होता है तो कोई भी व्यवहार में परिवर्तन नहीं होगा। इसी को इन्होंने डालने का प्रयास किया कि हम इस थ्योरी को किस रूप में देखें। तो उन्होंने बताने का प्रयास किया कि हमारा ये दोनों जो शेप है वो किस पर डिपेंड करता है। एक या तो रिइंफोर्समेंट पर डिपेंड करेगा या पनिशमेंट पर।
देखिए दोनों चीजें हम रोजमर्रा के जीवन में करते हैं कि हम किसी छोट घर में छोटा बालक है, अगर उसको कोई भी प्रतिक्रिया सिखानी है, कोई भी अनुक्रिया उससे करवानी है, तो अगर मान लीजिए छोटा बच्चा है, कोई भी व्यक्ति अगर घर में आता है तो वो देखता है कि अगर उसको प्रणाम बोलता है, इस अंकल प्रणाम, सर नमस्ते, जो भी, तो अगर उसके रिस्पांस में अगर उधर से आ जाए तो शाबाश बेटा, खुश रहो, इस तरीके का प्रतिक्रिया आती है, तब तो बच्चा हर उस व्यक्ति को नमस्ते प्रणाम बोलेगा जो उससे बड़ा हो, जो उससे मतलब आदर योग्य हो, चाहे वो हर व्यक्ति को करेगा, वो चाहे जैसा भी व्यक्ति हो। अगर कोई रिस्पांस नहीं दिया तो फिर वो ये प्रतिक्रिया करना बंद कर देता है कि उसको आउटकम चाहिए। तो इसमें स्किनर ने क्या क्या बताया कि अगर कोई भी थ्योरी, कोई भी कंडीशन अगर हम अपने क्लासरूम में लेके जाते हैं, अगर बच्चे के द्वारा अगर मैं कोई क्वेश्चन बच्चे से पूछता हूँ और बच्चे द्वारा कोई भी प्रतिक्रिया दी गई, तो आप उसको हमेशा रिइंफोर्समेंट करिए। पनिशमेंट भी आता है कभी कभी, यानी हमें पनिशमेंट करना, रिइंफोर्स, लेकिन ये दोनों की टर्मोलॉजी थोड़ी सी अलग है, एक तरफ है रिइंफोर्समेंट, एक तरफ है पनिशमेंट। तो इसके भी दो पार्टों में स्किनर ने बांट करके समझाने का प्रयास किया कि आप रिइंफोर्समेंट, क्या हमेशा रिइंफोर्समेंट देंगे, क्या हमेशा पनिशमेंट देंगे, नहीं, आप उसकी एक अनुक्रिया तय करनी पड़ती है कि कब हमें किसको रिइंफोर्समेंट देना है, कब किसी को पनिशमेंट देना है। तो ये दोनों प्रक्रियाओं को जब हम समझने का प्रयास करते हैं, तो स्किनर ने बताया, जैसा स्किन के माध्यम से मैंने एक शार्ट में आपको बताने का प्रयास किया कि इनकी जो थ्योरी का मेन मकसद था कि हमें अगर कोई अनुक्रिया, कोई रिस्पॉन्स सिखानी है तो उसके लिए हमें रिइंफोर्समेंट और पनिशमेंट दोनों प्रक्रिया को अपना करके उनके व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। लेकिन क्या वो व्यवहार में परिवर्तन कैसे संभव होगा, इसको हम जब देखने का प्रयास करते हैं, तो आप देख रहे होंगे कि जब किसी बच्चे से कोई कार्य करवानी हो या किसी आर्टिकल को सिखाना हो, चाहे किसी कंटेंट को डिलीवर करना हो, तो बच्चे के द्वारा जो रिस्पॉन्स किया जा रहा है, अगर उसमें रिइंफोर्समेंट आप देंगे तो बच्चे का जो वो व्यवहार है वो व्यवस्थित हो जाएगा, वो हमेशा आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए आतुर रहेगा। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि हम उसको पनिशमेंट देते हैं, तो जब आप एक बार पनिशमेंट देंगे तो फिर बच्चे में दिमाग में घर कर जाएगा कि अगर मैं ये कार्य करूँगा तो हमें इसके लिए ये दंड मिलेगा। तो हमें इसमें बहुत बैलेंस बनाने की जरूरत पड़ती है कि कब बच्चे को हम रिइंफोर्समेंट दें, कब बच्चे को हम पनिशमेंट दें, और वो दोनों किस प्रकार का होगा। ऐसा नहीं कि आप हर बच्चे को पनिशमेंट ही देंगे, हर बच्चे को रिइंफोर्समेंट ही देंगे, छोटी छोटी बात पे रिइंफोर्समेंट, छोटी छोटी बात पे पनिशमेंट, ये दोनों अलाउ नहीं है। आप दोनों के एक प्रतिक्रिया को तय कर लीजिए कि कब मुझे रिइंफोर्समेंट देना है, कब मुझे पनिशमेंट देना है। तो दोनों के जो सामान्य मतलब है कि अगर किसी अनुक्रिया को बार बार करवानी हो तो आप रिइंफोर्समेंट दीजिए, अगर किसी अनुक्रिया को रोकना हो, चाहे विलोपित करना हो, तो पनिशमेंट दीजिए। सीधा से मैटर, जैसा हम लोग सामान्य घरों में करते हैं कि अगर बच्चा कोई बेहतर काम किया, चाहे अपना होमवर्क कर लिया, तो बोलेंगे होमवर्क कर लोगे तो हम चॉकलेट देंगे, तो होमवर्क जैसे किया आप उसको चॉकलेट दे दिए, तो वो क्या करेगा, हर दिन अपना होमवर्क करता जाएगा। लेकिन आप जैसे ही वो अपना होमवर्क नहीं किया, बोलेंगे अगर होमवर्क नहीं करते हो तो हम तुमको ये खिलौना नहीं देंगे, चाहे हम इनको यहाँ नहीं ले जाएंगे, तो आप क्या करें, निगेटिव रिइंफोर्समेंट दे रहे हैं कि आप उस कार्य को करवाने के लिए किसी कार्य को व्यवधान में डाल रहे हैं। तो बच्चे का जो व्यवहार है वो दोनों में प्रतिक्रिया वो करेगा, दोनों रिपीट करेगा कि आपके चॉकलेट के लालच में वो कार्य को पूरा करेगा या फिर किसी खिलौने की चाहत में किसी कार्य को पूरा करेगा, दोनों प्रक्रिया में वो अपने व्यवहार को दोहराएगा। तो आपको इस रिइंफोर्समेंट को समझना है। जब हम बात करते हैं कि ये दोनों का प्रक्रिया किस प्रकार का होगा, तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि हमने रिइंफोर्समेंट और पनिशमेंट को दो दो भागों में बांटा हुआ है कि पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, निगेटिव रिइंफोर्समेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट और निगेटिव पनिशमेंट। तो दोनों में क्या अंतर हो सकता है, या फिर दोनों के कंसेप्ट किस प्रकार से व्यवस्थित करने का प्रयास स्किनर साहब ने किया है कि वो कहते हैं कि अगर कोई भी प्रतिक्रिया को अगर आप सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो सिखाने के लिए अगर आप शाबाश, खुश रहो, बहुत अच्छा, अगर ये उपयोग कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट है, या फिर उसके एवज में चॉकलेट दे सकते हैं, कोई उपहार दे सकते हैं, कुछ भी, मतलब कुछ भी कार्य को वृद्धि के लिए आप उन पे दे सकते हैं, तो वो पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट। उसी कार्य की प्रतिक्रिया के रूप में अगर कोई वस्तु आप दे रहे हैं तो वो निगेटिव रिइंफोर्समेंट। जैसे स्किनर की थ्योरी में बताने का प्रयास किया स्किनर साहब ने कि चूहे के जो बॉक्स में रखे हैं, तो बॉक्स में जैसे ही वो कोई लीवर दबाता है तो उसमें
बिजली करंट देते हैं या फिर तेज साउंड देते हैं, तो ये इसके निगेटिव रिइंफोर्समेंट में, कि उस निगेटिव रिइंफोर्समेंट में बच्चा वो कार्य पुनः ना करे, चाहे वो उस कार्य के प्रतिक्रिया के रूप में अपना व्यवहार में वृद्धि करे कि नहीं मुझे ये कार्य नहीं करना है, मतलब समथिंग गेटिंग समथिंग पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट किसी कार्य को करने के लिए, अगर उसके कार्य में वृद्धि बनाना है तो उसको पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट दीजिए, अगर किसी कार्य को अवॉइड करना है तो निगेटिव रिइंफोर्समेंट दीजिए। मतलब इसको आप सामान्य शब्दों में ये समझिए कि अगर आप किसी कार्य को करवाना चाहते हैं तो उसको पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, मतलब उसको कुछ उपहार दीजिए, अगर किसी कार्य को आपको नहीं करवाना है और उसकी प्रतिक्रिया में वृद्धि करनी है कि नहीं ये कार्य आपको नहीं करना, जैसे उदाहरण के रूप में अगर मैं कहूँ कि अगर बच्चे को आप किसी कार्य को कह रहे हैं करने के लिए और वो नहीं कर रहे तो आप उसको चिल्लाने लग रहे हैं, तो जैसे ही वो चिल्लाएंगे तो वो एक तरीके का निगेटिव रिइंफोर्समेंट कि अगर मैं ये कार्य नहीं करूँगा तो पिताजी आकर के चिल्लाएंगे, तो आपका ये जो चिल्लाना है आपका डांटना है वो निगेटिव रिइंफोर्समेंट है कि आपके ये रिइंफोर्समेंट एक उपहार वाला रिइंफोर्समेंट एक पनिशमेंट वाला रिइंफोर्समेंट, दोनों में यही अंतर है कि आप एक तरफ तो वो कोई उपहार प्राप्त करेगा, एक तरफ कोई उपहार नहीं प्राप्त करेगा, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया में वृद्धि हो जाएगी कि नहीं अगर मैं ऐसा कोई कार्य करूंगा तो मुझे इस प्रकार का व्यवहार देखने को मिल सकता है या इस प्रकार से मुझे सामना करना पड़ सकता है। ये दोनों चीज़ें रिइंफोर्समेंट पे हैं। अगर इसी को पनिशमेंट में देखिए क्या है, अब पनिशमेंट को देखिए, जैसा सामान्य शब्दों में पनिशमेंट का मतलब दंड, दंड देना। अब दंड दो तरीके से, एक पॉजिटिव दंड एक निगेटिव दंड। आप सबसे पहले ये सोचिए कि पॉजिटिव को गुड और डिजायरेबल के रूप में ना देखिएगा, किसी प्रतिक्रिया को करने या किसी प्रतिक्रिया को न करने के रूप में देखिएगा। इसमें जो पॉजिटिव शब्द जोड़ा गया है इसका यह मतलब नहीं कि अच्छा पॉजिटिव पनिशमेंट का मतलब कि उसको दंड भी करें तो अच्छे से, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें पॉजिटिव का मतलब गुड और डिजायरेबल नहीं है, किसी व्यवहार को ना करने के लिए आप अगर कोई प्रतिक्रिया देते हैं तो वो पॉजिटिव, और एक निगेटिव कि अगर उसी के अनुक्रम में कोई दूसरा आप व्यवहार कर रहे हैं जिससे कि वो व्यक्ति वो कार्य न करे तो वो निगेटिव पनिशमेंट। दोनों में देखिए थोड़ा सा आपको इसके लिए किताबों का मदद लेना पड़ेगा कि जैसे मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ रिइंफोर्समेंट पनिशमेंट पॉजिटिव निगेटिव, तो थोड़ा सा आपको उलझन हो सकता है कि एक ही बातें दोनों में दिख रहा है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। एक में प्रतिक्रिया को बढ़ाने के लिए बात किया जा रहा है कि अगर कोई स्टिमुलस आप दे रहे हैं उसके रिस्पॉन्स में लगातार वृद्धि हो तो इसके लिए पॉजिटिव या निगेटिव रिइंफोर्समेंट क्या हो सकता है। आप किसी अनुक्रिया में उसके रिस्पांस में बढ़ोतरी ना हो उसके लिए पनिशमेंट, वो दोनों हो सकता है पॉजिटिव या निगेटिव। ये दोनों चीज़ों को बढ़ा करके, इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए स्किनर साहब ने अपने थ्योरी को डेवलप किया कि जब हम किसी कक्षा में किसी कंटेंट को डिलीवर करते समय या डिलीवर के बाद अगर उसके रिस्पांस को हमें चेक करना है तो बच्चे को ये दोनों चीज़ें प्रोवाइड कराना अनिवार्य है। अगर ये चीज़ें आप नहीं करेंगे तो बच्चा आपके कंटेंट को सीख तो लेगा लेकिन उस एवज में उतना रिस्पांस नहीं देगा जितने रिस्पांस की अपेक्षा आप करते हैं। तो उन्होंने थ्योरी के माध्यम से बताया कि वो चाहे बच्चा सामान्य हो दिव्यांग हो वो दोनों के लिए वो चीज़ें अलाउ होती हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि दिव्यांग की स्थिति में थोड़ी प्रक्रिया और बदल जाएगी, वो आंध सिचुएशन हो जाएगा कि बच्चे में किस प्रकार की दिव्यांगता है, बच्चा किस प्रकार का रिस्पांस दे सकता है। आप पूरे हुबहू को उठा करके दिव्यांग बच्चों के साथ ऐड नहीं कर सकते कि ये थ्योरी आप बता दिए हैं पनिशमेंट और रिइंफोर्समेंट का तो दोनों हम इनको दें, नहीं। आप केवल प्रक्रिया को सेम रख सकते हैं लेकिन उस प्रक्रिया को अकॉर्डिंग टू चाइल्ड अकॉर्डिंग टू कंटेंट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ऐसा नहीं कि एक ही सिचुएशन में सब अलाउ करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कर देंगे जो बच्चे में जितनी क्षमता होगी चाहे जिस बच्चे में जिस प्रकार का योग्यता होगा उस प्रकार से उसको उपयोग करेगा, लेकिन आप सोचिए कि उस थ्योरी के माध्यम से किसी कंटेंट को मैं उस प्रक्रिया तक समाहित कर लूँ तो ये थोड़ी चुनौती हो सकती है आपके लिए, और इस चुनौती से ही हमें उभरने के लिए इन सिद्धांतों का हमें उपयोग करना। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि सारी थ्योरी जो भी बनी है वो सब किसी न किसी जानवर पर किसी न किसी ऐसे व्यक्ति पर हुआ है जो हम लोगों से थोड़ा अलग है, और उन चीज़ों उनके व्यवहार को हम सीखने और समझने का प्रयास करते हैं कि हम इस ऐसा कार्य करेंगे तो इस प्रकार की परिघटनाएँ
हो सकती हैं या इस कार्य से इस प्रकार की घटना होगी, इस प्रकार में हम सोचते हैं कि क्या होगा और किस तरीके की संभावना बन सकती है। तो ये जो आप इस सीन के माध्यम से देख रहे थे, इसमें जब आगे बात आई कि नहीं हम इस चीज़ को समझे कैसे, तो स्किनर साहब ने एक प्रयोग किया और उन्होंने प्रयोग ये 1940 के दशक में किया था कि जब उन्होंने अपना प्रयोग प्रारंभ किया तो उन्होंने एक चूहे को लिया। और चूहे को लेने के पीछे क्या कहानी हो सकती है कि अगर आप सब कुछ व्यवस्थित है, अगर आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो क्या आप प्रतिक्रिया कोई करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन जब आप में कोई नीड हो तब आप कोई इंसेंटिव फिर ड्राइव करेंगे, तब किसी गोल को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो एक बार जब उन्होंने किया कि चूहे को कोई एकदम सब कुछ खिला पिला करके अपने बॉक्स में बंद कर दिया, उस बॉक्स में बंद किया, चूहा कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है, तो उनको लगा कि यार रिस्पांस क्यों देगा, जब उसको कुछ भूख लगे, कुछ इस प्रकार का कोई कार्य करे तब तो वो कुछ प्रतिक्रिया करेगा। तो उस प्रतिक्रिया के अनुक्रम में उन्होंने क्या किया कि एक प्रयोग किया जिसको आपने उसको बॉक्स का नाम आपके शिष्यों ने स्किनर बॉक्स रख दिया। ठीक है, वो सम्मान की बात है, इसको आप किसी भी रूप में कि हर किताबों में अलग अलग मिलेगा वो कि ऐसा रिस्पांस थ्योरी के रूप में, चाहे चूहे पर प्रयोग, चाहे किसी भी टर्मोलॉजी पर ना जाइएगा, उसके पीछे के कंटेंट के जो आइडियोलॉजी है उसको समझने का प्रयास करेगा कि ये प्रक्रिया जैसे प्रयोग उन्होंने किया कैसे। तो आप पहले स्किनर साहब ने क्या किया कि एक ऐसा बॉक्स बनाया जिसमें एक लीवर लगा था और लीवर जैसे ही दबेगा उसमें से बाहर रखा भोजन चूहे को प्राप्त हो जाएगा, और उसी में एक लीवर ऐसा है कि जिसको दबाने पर चूहे को आघात लगेगा। देखिए दोनों कंडीशन में बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, दोनों चीज़ें इसमें आ रही हैं, फिर पॉजिटिव पनिशमेंट और नेगेटिव पनिशमेंट दोनों फिर इसमें आ जाएगा। इसी थ्योरी में ही आपकी सारी चीज़ें समाहित है और इसी चीज़ को हमें देखना है कि एक चूहे की प्रतिक्रिया कैसे चारी सभी चीज़ों को अपने आप व्यवस्थित कर रहा है। और रिइंफोर्समेंट देने के तरीके भी उन्होंने बताने का प्रयास किया कि कैसे कैसे रिइंफोर्समेंट देना है, हमें लगातार देना है, रुक रुक के देना है, ये सारी चीज़ें उसमें समाहित है। जब इसको और आप किताबों के माध्यम से पढ़िएगा तो और चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जब इन्होंने प्रयोग प्रारंभ किया तो एक चूहे को जो भूखा था एक बॉक्स में बंद कर दिया, और जैसे ही बॉक्स में बंद किया तो चूहा पहले क्या करेगा, पहले उछल कूद करेगा, पहले वो बाहर आने की कोशिश करेगा। तो कुछ देर खूब उछल कूद किया, बाहर नहीं आ पाया, वो चुपचाप जाकर बैठ गया, उस समय उसका पेट भरा था। अब जब उसको भूख लगी अब क्या करेगा, फिर वो उछल कूद करने लगा, एक बार उसका पैर उस बटन पर गया जिसमें करंट आ रहा है, एक बार उसका बटन उस लीवर पर गया जिस लीवर को दबाने से भोजन प्राप्त होता है। तो जैसे ही उस बटन पर दबा उसको भोजन मिल गया, जब भोजन उसको मिल गया तो वो खा करके फिर साइलेंट होकर बैठ गया, फिर वो जैसे भूख लगा फिर वो प्रतिक्रिया प्रारंभ किया। तो बार बार ये जो प्रक्रिया प्रारंभ होती गई कि जब लीवर दबाए और उसको भोजन मिल जाए, तो एक समय ऐसा आया कि जब चूहे को भूख लगे वो उठता था और जाकर के वही लीवर दबाता था जिस लीवर से उसको भोजन मिलता था, वो लीवर नहीं दबाता था जिससे उसको करंट लगता था। तो दोनों में देखिए, एक पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट एक नेगेटिव रिइंफोर्समेंट दोनों है उसमें समाहित है कि एक को दबा रहा है तो तुरंत उसको भोजन मिल जा रहा है, एक को दबा रहा है तो वो उसको करंट मिल रहा है, चाहे गर्मी का ताप मिल रहा है, चाहे बहुत तेज साउंड मिल रहा है। तो दोनों को वो क्या कर रहा है कि एक को प्रतिक्रिया के रूप में बढ़ा रहा है और एक को प्रतिक्रिया के रूप में वो कम हो रहा है कि नहीं अब दो बटन है, तो एक को वो दबा रहा है जिससे उसको भोजन मिल रहा है और एक को वो दबाना धीरे धीरे कम कर रहा है जिससे कि उसको विद्युत का आघात या बहुत तेज आवाज मिल रहा हो जिससे वो इरिटेट हो जा रहा हो। तो जब बार बार एक ही प्रक्रिया को हम दोहराते हैं तब उसको लगा कि नहीं अब मुझे जब भोजन लेना है तो मुझे इस वाले बटन को दबाना है, उसको भोजन मिल जाना है। तो स्किनर साहब ने जब ये प्रयोग किया तब इन्होंने एक स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी के रूप में विकसित किया इन्होंने कि अगर आप कोई स्टिमुलस देते हैं और उसके अनुक्रम में अगर कोई रिस्पांस व्यक्ति को मिलता है तब तो वो आपको सपोर्ट करेगा, अदरवाइज उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इन्होंने जो ये स्किनर बॉक्स के माध्यम से एक चूहे पर प्रयोग किया और चूहे पर प्रयोग करके बताने का प्रयास किया कि किसी भी बच्चे को, चाहे किसी भी व्यक्ति को, चाहे किसी भी प्राणी को अगर कोई भी अनुक्रम वो कर रहा है, कोई भी स्टिमुलस दे रहा है, उसके एवज में आपको रिस्पांस देना अनिवार्य है। अगर आप रिस्पांस देंगे तो उसके बिहेवियर का मॉडिफिकेशन होगा, अदरवाइज उसके बिहेवियर का मॉडिफिकेशन नहीं होगा। वो ये कह रहे हैं कि जैसे ही अगर हम किसी चीज़ को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं तो हमें उसके लिए रिस्पांस देना
अनिवार्य है। ये सारी चीज़ों को जब मैं देख रहा हूँ और इन सारी चीज़ों को देखने का जब हम प्रयास करते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि अब स्किनर की थ्योरी हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में किस प्रकार से मददगार होगा। तो उसमें हम देखने का प्रयास करते हैं कि इनकी जो थ्योरी है वो किसी को शेप देना हो, किसी नॉलेज को अगर उसको किसी स्वरूप प्रदान करना हो, तो ये कार इनकी थ्योरी जो है उपयोग में लाई जा सकती है। चाहे हमें कोई प्रक्रिया सिखानी हो, चाहे हमें किसी एक्टिविटी कोई एक्टिविटी सिखानी हो, चाहे प्रोग्राम लर्निंग की बात हो, जो आप मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में प्रोग्राम लर्निंग की बात हो, एकदम इन्हीं की थ्योरी पर ही बेस्ड है वो, कि अगर आप कोई स्टिमुलस करेंगे तो उधर से रिस्पांस ज़रूर मिलेगा। जैसे अगर हम कोई प्रोग्राम सेट कर रहे हैं तो उसमें अगर कोई हम स्टिमुलस देंगे तभी तो उधर से कोई रिस्पांस आएगा। तो उसी कंडीशन को ये बता रहे थे कि आप में अगर हमें कोई कार्य करना है और किसी कार्य को करवाना है तो हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन इस थ्योरी को बनाया गया है तो एक चूहे पर प्रयोग किया गया है। बीइंग ए ह्यूमन, अगर हम ये समझने और सोचने का प्रयास करें कि एक चूहे पर किया गया प्रयोग कितना सार्थक होगा जो हम मनुष्यों पर प्रयोग करेंगे, चाहे उनका अनुप्रयोग करेंगे, तो हमें उन सावधानियों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। उन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा कि किसका हमें कब उपयोग करना है और किसका हमें कब उपयोग नहीं करना है। क्या थ्योरी की पूरी बातें एक समान जनजीवन पर लागू किया जा सकता है या समान जीवन पर लागू नहीं किया जा सकता है, इस पर आप व्यक्तिगत रूप से सोचिएगा। आप उस थ्योरी को पढ़ने का और प्रयास करिएगा। अगर फिर भी कोई अगर कुछ बातें छूट गई हों, चाहे कुछ बातों को मैं नहीं बोल पाया हूँ, तो आप ऑन स्क्रीन के माध्यम से कमेंट बॉक्स में कर लिख सकते हैं कि सर ये बातें आपकी ये समझ में नहीं आई, चाहे ये बातें मैं समझ रहा हूँ, इसका ये भी मतलब हो सकता है। तो शायद हम दोनों के लिए एक अवसर होगा, क्योंकि हमारी जो विश्वविद्यालय है वो डिस्टेंस मोड का है, हमारे जो शिक्षार्थी हैं वो दूर बैठे रहते हैं। हम SLM के माध्यम से तो उनको देते हैं कि आप ये पढ़िए, लेकिन हमारा प्रयास है कि हम आपसे संवाद के रूप में भी जुड़ें। तो हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि हम आपके साथ संवाद करने का प्रयास करते हैं कि हम कैसे किसी थ्योरी को किस रूप में देखते हैं। ये जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं वो सारी किताबों में आपके SLM में है, लेकिन उस SLM की बातों को हम कैसे समझें और किस रूप में समझें, ये शायद वीडियो आपके इस रूप में थोड़ा सा मददगार साबित होगा। लेकिन इस सारी प्रक्रिया को जब एज दिव्यांग बच्चों पर हम लागू करने की कोशिश करेंगे तो उसकी पूरी फेनोमिना बदल जाएगी। आप इस बात को मैं बार बार कह रहा हूँ और बहुत दबाव के साथ कह रहा हूँ कि कोई भी थ्योरी जो भी बनी है वो जानवरों पर बनी है, उपयोग किस पर हो रहा है, मनुष्य पर, और मनुष्य किस मनुष्य पर, जो सामान्य है, जो दिव्यांग है उस पर चर्चा नहीं की गई है कि नहीं आप उनके साथ भी इस थ्योरी को इस रूप में उपयोग करेंगे। नहीं, उनके कंडीशन बदल जाते हैं, उनकी आवश्यकताएं बदल जाती हैं, उनके व्यवहार बदल जाते हैं, उनके कार्य बदल जाते हैं, उनके कंटेंट बदल जाते हैं, उनकी एक्टिविटी बदल जाती है। ये सारी चीज़ों को जब हम ध्यान में रखते हुए, ये आपको बीइंग ए टीचर, बीइंग ए स्पेशल एजुकेटर आपको मदद दे सकता है कि एक जो सामान्य बच्चा इस प्रकार से थिंकिंग करता है तो एक दिव्यांग बच्चा भी इसी प्रकार से थिंकिंग करता होगा। आप ये कल्पना कर सकते हैं, लेकिन एक सामान्य बच्चा ऐसी एक्टिविटी कर सकता है, एक दिव्यांग बच्चे से भी ऐसी एक्टिविटी की अपेक्षा करना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा। अगर उस फेज में बच्चे को आप एक्टिव कर लें, उस फेज में बच्चे को चीज़ों को सिखा दें, तो शायद ये थ्योरी आपके लिए काम की हो सकती है। अदरवाइज थ्योरी को आप इसलिए उपयोग ना करिएगा कि स्किनर साहब ने ऐसा ऐसा बताया था तो ये इनको मुझे लागू ही करना है। नहीं, आप इस चीज़ों को अपना करके अपने कंटेंट डिलीवरी में, अपने कंटेंट आउटकम में आपको मदद मिलेगा कि नहीं आप जो कंटेंट पढ़ा रहे हैं अगर उसके एवज में अगर कोई रिस्पांस मिल रहा है तो आप जो रिस्पांस देंगे वही उसमें मॉडिफिकेशन होगा। जैसे हम कहते हैं लर्निंग क्या है, चेंज बिहेवियर मॉडिफिकेशन, आपके पूरे व्यवहार में परिवर्तन लर्निंग है। तो वो लर्निंग किस प्रकार से होगा, अब इसमें तमाम लोगों की थ्योरी पड़ी हुई है, अभी तो हम केवल कॉग्निटिव की बात कर रहे हैं, अभी तमाम लोगों की बातें आएंगी इसमें किस प्रकार से थ्योरियों का विकास हुआ। ये कोई कह रहा है कि नहीं ये ट्रायल एरर से होगा, इसके अंदर साफ कर रहे हैं स्टिमुलस रिस्पांस होगा, कोई और आगे जाएगा, हम अभी लगातार इससे जुड़े रहेंगे और इन सारी चीज़ों से बातचीत करते रहेंगे। लेकिन इन सारी थ्योरियों का जब हम निचोड़ निकालेंगे तो हमें आपको खुद सोचना है कि नहीं हम इस थ्योरी को तो देख रहे हैं कि नहीं इसमें इन्होंने ये कह दिया, लेकिन क्या उन चीज़ों को हम उस प्रकार से लागू करें, ये आपको खुद तत्कालिक परिस्थिति पर सोचना है।
कि नहीं हमें इस चीज़ को उपयोग करना है या हमें इस चीज़ का उपयोग नहीं करना है। तो आज के रूप में अगर मैं देखूं कि नहीं स्किनर साहब की जो थ्योरी थी, मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि हम आप तक अपनी बात पहुंचा पाने में सफल हो पाया हूं। अगर नहीं हो पाया हूं तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात ज़रूर लिख दीजिएगा कि नहीं हमें इस बात पे इस पे कमेंट है। तो निश्चित रूप से हम लोग पुनः एक दूसरे वीडियो के रूप में आप लोगों से चर्चा करने का प्रयास करेंगे और जुड़ करके फिर हम बातों को समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम इन चीज़ों को बेहतर करें। लेकिन एज ए टीचर अगर मैं आपसे वार्ता करने का प्रयास करूं तो मुझे लगता है कि हमें थ्योरियों को केवल थ्योरी के रूप में ही देखना चाहिए, उसके प्रैक्टिकल के रूप में नहीं देखना चाहिए। इसलिए कि उनका जो थ्योरी है वो केवल एक दिन का कमाल नहीं है, उनमें कई वर्षों का मेहनत है और उन सारे वर्षों के मेहनत को अगर निचोड़ के रूप में मैं देखते हैं तो हमें एक थ्योरी के रूप में मिलता है कि ये थ्योरी आपने ऐसे ऐसे किया। अगर उन चीज़ों को अगर हम फीडिंग के रूप में देखेंगे कि नहीं ये जो थ्योरी हम पूरी फीडिंग हम बच्चों के साथ कर लें तो थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। अगर आप में सक्रियता है, आपकी इच्छा है, आप उस तरीके की लेबोरियस हैं, उस तरीके के अगर कंटेंट की समझ रखते हैं तो आप निश्चित रूप से अपने क्लासरूम में इसका उपयोग करिए। आपके कंटेंट में और आपके डिलीवरी में और आपके आउटकम में निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा और बच्चों से आपको जुड़ करके पढ़ने में और सीखने में मजा आएगा। बार बार जो थ्योरियाँ बनाई गई वो इसी बात पे तो एम्फेसाइज की गई कि नहीं आप जो थ्योरी बना रहे हैं उस थ्योरी के रूप में हमें मिलेगा क्या, चाहे इस थ्योरी को हम कहाँ उपयोग करें। तो जब आप इन थ्योरी को वहाँ उपयोग करेंगे तो आप जो रिइंफोर्समेंट है कब देना है, किस रूप में देना है, पनिशमेंट है कब देना है, किस रूप में देना है, ये सारी चीज़ों की आप अपने आप मॉनिटरिंग करने लगेंगे और बच्चे के बिहेवियर में आप खुद देखने लगेंगे कि परिवर्तन हो रहा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।